हे टाइजन यूजर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है उन टाइजन यूजर्स के लिए जो लोग गेमर्स हैं और दोस्तों टाइजन में गेम्स खेलने के लिए बहुत ही बेताब है दोस्तों, पर उन लोग को गेम्स मिल नहीं पा रहा है और बहुत कमेंट कर रहे हैं सारे वीडियोस में कि कोई भी सर गेम्स चलाइए। और मैंने कुछ दिन पहले अपने टाइजन कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट भी किया था कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो वहाँ मैक्सिमम लोगों ने, अभी आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम लोगों ने गेम्स फॉर टाइजन पर वोट किया है। तो मैंने सोचा गेम्स फॉर टाइजन पर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना ही देता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं चैनल पर वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली हम सारे टाइजन यूट्यूबर्स ने एक टाइजन टॉक्स का वीडियो शूट किया दोस्तों, जिसमें बहुत मेहनत और टाइम लगा है दोस्तों। आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर उस वीडियो को देखें दोस्तों। हम लोगों ने टाइजन कम्युनिटी टीम बनाई, उसमें मैंने सबको एक्सप्लेन किया है कि मैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, मैं इतना आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो हाँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये गेम्स के ऊपर वीडियो होने वाली है तो दोस्तों, तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए आया हूँ टॉप 5 गेम्स फॉर टाइजन, जिसको आप लोगों को खेल के बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं दोस्तों। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों फिर से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आप लोग आखिर तक नहीं देखते हैं उसके बाद आप लोग कमेंट करते हैं सिली कमेंट, जिसका जवाब मैं या सभी से मैं वीडियो में पहले ही दे चुका होता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग वीडियो के आगे लेकर। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में टॉप 5 गेम्स लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग पीछे से शुरू करते हैं, मैं आपको पीछे से सारे गेम्स को बताऊंगा। तो सबसे पहले 5th नंबर पे जो गेम है दोस्तों, वो है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2। तो दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग गेम है दोस्तों। मैं भी ये पहले अपने टाइजन फोन में बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था और ये बहुत एडिक्टिव क्रिकेट गेम है दोस्तों। जो क्रिकेट के लवर्स हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए सब बेस्ट गेम है दोस्तों। तो ये आप लोगों को सिंपली टाइजन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग वीडियो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ टाइजन स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोग उसको खेल भी सकते हैं दोस्तों। बहुत ही एडिक्टिव गेम है टाइजन के लिए। अगर आपका टाइम नहीं पास हो रहा तो आप उस क्रिकेट गेम को खेल के मतलब बहुत अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये सिर्फ 71 MB का और सारे डिवाइस पर सपोर्टेड है दोस्तों, Z1 से लेके पूरे Z4 कर जाए कोई भी मॉडल नंबर हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस ऐप को या गेम को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी Z1 से लेकर Z4 यूजर्स को। तो दोस्तों, आप ये ऐप जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। ये था हमारा 5वां नंबर वाला ऐप। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 4थे नंबर ऐप यानी गेम पे दोस्तों। तो दोस्तों, जो 4थे नंबर पे हमारा टाइजन फोन के लिए जो गेम है दोस्तों, वो है टेंपल रन 2। जी हाँ दोस्तों, टेंपल रन 2 दोस्तों, ये एक टाइम का या एक ज़माने का मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव गेम था दोस्तों, जो कि अभी टाइजन स्टोर पर भी अवेलेबल। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है उन टाइजन यूज़ के लिए दोस्तों, उन गेमर्स के लिए, कि टेंपल रन 2 टाइजन स्टोर पर अवेलेबल है दोस्तों। टेंपल रन 2 हालांकि थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है दोस्तों, फिर भी इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैं अभी इस गेम को खेल चुका हूँ दोस्तों, और ये एक टाइम का मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव गेम था दोस्तों। पर दोस्तों, ये बात है कि ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, पर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उतना भी ओल्ड नहीं है कि जितने आप लोग खेलना पाए दोस्तों, उसको खेलने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, ये भी थोड़ा कम साइज़ का है, 41 MB लगभग, और यहाँ पे सारे डिवाइस पर सपोर्टेड जितने भी सैमसंग टाइजन के मॉडल नंबर आते हैं Z1 से लेकर Z4 तक दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप गेमर हैं तो इस गेम को जरूर डाउनलोड करिए, अगर आप टाइजन यूज़र भी हैं तो दोस्तों, अपने टाइजन फोन में खेलने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट गेम की ओर। जो नेक्स्ट गेम है यानी 3rd नंबर का गेम है दोस्तों, वो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, वो है एसफॉल्ट नाइट्रो दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया रेसिंग गेम है दोस्तों, जो रेसिंग के लवर्स हैं दोस्तों, उनके लिए मैं कर सकता हूँ। अगर वो टाइजन फोन रखते हैं तो उनके लिए सारे सारे बेस्ट गेम है दोस्तों, अगर वो रेसिंग के लवर है टाइजन फोन भी रखते हैं तो। तो दोस्तों, ये भी आपको सिंपली टाइजन स्टोर में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं दोस्तों। मैंने भी इसको रिसेंटली डाउनलोड करके, मतलब वीडियो बनाने से पहले मैं इसको डाउनलोड करके खेला था दोस्तों। मुझे गेम बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा। तो दोस्तों, सिंपली आपको ये टाइजन स्टोर में मिल जाएगा, ये रेसिंग है मैं दोस्तों, आप लोग सिंपली जाकर टाइजन स्टोर से डाउनलोड करके इसको खेल सकते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, इससे पहले आप इस गेम को मतलब डाउनलोड करके खेलें दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये गेम सिर्फ Z1, Z2 और Z3 यूजर्स के लिए दोस्तों। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों, Z1 से लेकर Z3 तक सारे मॉडल के लिए पर है दोस्तों, पर ये Z4 फोन के लिए नहीं है दोस्तों। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, पर ये Z4 फोन के लिए नहीं है, पर Z4 के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रेसिंग गेम्स हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो Z4 पर बनाऊँ गेम्स के लिए, तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की ओर, यानी 2nd नंबर गेम की ओर दोस्तों।
तो दोस्तों जो सेकंड नंबर का हमारा गेम है दोस्तों, वो भी मतलब कह सकते हो मैं कि रेसिंग कैटेगरी का गेम है दोस्तों। अगर रेसिंग कैटेगरी में माना जाए टाइजन फोर के कंपैरिजन में, यानी टाइजन फोर के सारे गेम्स को कंपेयर किया जाए और रेसिंग में आ जाए, तो सबसे एडिक्टिव गेम मैं इस गेम को मानता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस गेम का नाम है सनसेट बाइक रेसर। अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों, ये उसका थंबनेल टाइप का कुछ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सनसेट बाइक रेसर दोस्तों, ये टाइजन स्टोर में आपको ईजिली भी अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों, कुछ 25 या 24 MB के आसपास है। अभी आप लोग देख लीजिए स्क्रीन शॉट यहाँ पे, और ये सैमसंग के सारे मॉडल में सपोर्टेड है दोस्तों, आप लोगों को कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ये चौथा नंबर का सेकंड नंबर का गेम है दोस्तों, जो टाइजन में सबसे बेस्ट गेम है आज तक, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इस टाइजन स्टोर में जरूर मिल जाएगा, आप लोग सिंपली डाउनलोड करके खेल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सेकंड नंबर वाला गेम आपको कुछ अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार डाउनलोड करके जरूर खेलिएगा दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी चार गेम देख चुके हैं दोस्तों, और जो पाँचवा गेम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही स्पेशल गेम है मेरे लिए। तो दोस्तों पाँचवा नंबर का गेम मेरे लिए बहुत स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि जब मैं छोटा था दोस्तों, यानी मेरे चाइल्डहुड में था अपने, तो दोस्तों मुझे ये गेम बहुत ही पसंद था दोस्तों। मैं इस गेम को खेलने के लिए इतना रो पड़ता था दोस्तों कि मैं सबको परेशान कर डालता था दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन में खेलता था दोस्तों, जो मेरे मम्मी का फ़ोन था दोस्तों। तो उसमें ये फ़ोन था, गेम था दोस्तों, और उसके बाद वो फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं उस गेम को भूल गया था दोस्तों। पर ऐसे एक दिन मुझे याद है कि यार मैंने तो इस एक गेम खेलता था जिसका नाम था दोस्तों फॉरगॉटन वॉरियर दोस्तों, वही एडिक्टिव गेम था। तो मैंने सिंपली इसको प्ले स्टोर पर सर्च किया, तो प्ले स्टोर पर मुझे नहीं मिला, तो मैंने सिंपली जाके गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे मुझे उसका एपीके मिल गया दोस्तों। भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट उस गेम प्ले गेम का दोस्तों, ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गेम दोस्तों। मैं इसको अभी भी खेलता हूँ, हालांकि मैं इसको बहुत बार इस पूरे गेम को क्लियर कर चुका है, यानी पार कर चुका, फिर भी मैं इसको स्टार्टिंग से फिर से खेलना शुरू कर देता दोस्तों, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है दोस्तों। दोस्तों मैं इस गेम के एपीके का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, ये कोई टाइजन स्टोर में आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप लोग एंड्रॉइड प्रो को से कन्वर्ट करके इस गेम को अपने टाइजन फोन में खेल सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने एंड्रॉइड फोन में भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पांचवा नंबर वाला, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पांचों गेम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मुझे ये पांचों गेम्स को इकट्ठा करने में थोड़ा सा मेहनत लगा दोस्तों सिर्फ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अभी उस यूथ वाले गेम यानी फॉरगॉटन वॉरियर का अभी मैं आपको गेम प्ले दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। अभी आप लोग यहाँ फॉरगॉटन वॉरियर का गेम प्ले देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ऑसम और अमेजिंग गेम प्ले दोस्तों। मैं इस मतलब बहुत खेलता था यार, एक बार प्लीज़ आप मेरे कहने प्लीज़ सारे गेम्स मत खेलिएगा, पर दोस्तों प्लीज़ एक बार जरूर इस गेम को डाउनलोड करके खेलिएगा दोस्तों। अभी आप लोग गेम प्ले देखिए दोस्तों, इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अभी मैं लेवल 2 पे पहुंच गया दोस्तों, और डिफरेंट स्टेज भी होते हैं, आपको खेलने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। एक बार जब इसको ट्राई करेगा दोस्तों अपने टाइजन फोन में, एंड्रॉइड फोन में जैसे, या आप एंड्रॉइड फोन में खेल सकते हो, क्योंकि मैं इसके एपीके का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एपीके को सीधे टीपीके में कन्वर्ट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको टाइजन फोन में खेलना होगा तो, नहीं तो आप एंड्रॉइड फोन में भी इस ऐप को यानी गेम को खेल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 गेम्स के बारे में बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी थोड़ा देर वीडियो को थोड़ा देर आप लोग और देख लीजिए, मुझे चैनल को प्रमोट करना है दोस्तों। तो हाँ, तो दोस्तों मैं जिस चैनल को प्रमोट करने की बात कर रहा था दोस्तों, उस चैनल का नाम है हैगी बाई हैकिंग बाई यशु त्यागी। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे एक बार जरूर विजिट करिएगा दोस्तों, ये भाई भी टाइजन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इनके चैनल को प्रमोट करने को, तो मैंने सोचा लाओ भाई प्रमोट कर ही देता हूँ, भाई ने इतना रिक्वेस्ट करा, तो आप लोग इनके चैनल पर एक बार जरूर विजिट करिएगा दोस्तों। और अगर आपको इनका चैनल पर वीडियो पसंद आते तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, मैंने भी इनको सब्सक्राइब कर लिया है।